हेलो फ्रेंड्स दिस इज द फोर्थ पार्ट फॉर एरिया अंडर द कर्व टुडे वी सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्हिच कम्स इन केवीएस एंड एनवीएस एंड अदर एग्जाम्स सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल नाउ लेट्स गेट स्टार्ट हमारे पास क्वेश्चन आया था एनवीएस में टू में क्या क्वेश्चन आया था देखिए द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व क्या कर्व गिवन है x square is equal to में 4y एंड लाइन x is equal to में 4y minus 2 इज क्या होगा ठीक है हमने इसकी ट्रिक की थी जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज आप एक बार देख लीजिएगा उसमें मैंने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स दी हैं आपने इससे पहले तीन पार्ट में एरिया अंडर चुकी हूँ उनके अंदर मैंने शॉर्ट ट्रिक दी है उन्हीं को अप्लाई करके हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो प्लीज जिसने भी अगर वो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार उनको देख लीजिएगा तभी आपको ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगे अगर हमारे पास गीवन था देखो हमने क्या ट्रिक पढ़ी थी एक्स स्क्वल टू मे फोर ए y अगर गीवन था हमारे पास और कोई भी लाइन की इक्वेशन गीवन थी y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी उस केस में हमारे पास एरिया कितना किया था हमने हमने शॉर्ट ट्रिक की थी तो उस केस में एरिया कितना है हमारे पास 72 टू ए स्क्वेर एम की क्यूब यही थी तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं इस पर अगर हमें इसको कंपेयर करती हूँ सॉल्यूशन देखिए अगर मैं कंपेयर करती हूँ एक्स स्क्र इज इक्वल टू में फोर वाई को किसके साथ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू में फोर ए वाई के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू में फोर ए वाई के साथ तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी हो गई वन कंपेयर करने पे ए की वैल्यू वन हो गई यहाँ से अगर हम देखें इक्वेशन क्या गिवन है एक्स इज इक्वल टू में फोर वाई माइनस टू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू में वन बाई फोर प्लस टू बाई फोर एक्स वाई इज इक्वल टू में एक्स बाई फोर प्लस टू बाई फोर तो यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी से हमारे पास m की वैल्यू क्या हो गई वन बाई फोर क्योंकि ये x बाई फोर है तो m की वैल्यू वन बाई फोर ठीक है एम आ गया वन बाई फोर ए आ गया वन एरिया कितना था सेवनटी टू ए स्क्वायर एम की क्यूब यहाँ पे एरिया लिखें अप्लाई करते हैं इसको अब हम सेवनटी टू ए स्क्वेयर मतलब वन का स्क्वेयर मतलब वन रहेगा इन टू में एम की क्यूब एम कितना है वन बाई फोर वन बाई फोर इंटू वन बाई फोर इंटू वन बाई फोर अब इसको कैंसिल कर लेते हैं फोर वन जा फोर फोर एट जा थर्टी टू 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 फोर टू नाइन जा एटीन दैट इज ऊपर वजा नाइन नीचे आया टू इन टू में फोर एट नाइन बाय एट क्या हो गया हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया ये हमारे पास जो ट्रिक थी वो हमने अप्लाई कर दी कभी भी एक्स स्क्वेयेर इज इक्वल टू में फोर ए वाई और वाई इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी गिवन होगा तो हम इन, इन इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन को वाई इजल टू में एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके एम की वैल्यू निकाल लेंगे एक्स स्क्वेयेर इजक्ल फोर वाई को हम वाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू में फोर ए वाई से कंपेयर करेंगे हमें ए की वैल्यू चाहिए और हमें एम की वैल्यू चाहिए उसके बाद हमें फोरमूल्ला पता ही है सेवनटी टू ए स्क्वेयर एम की क्यूब होता है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे ये हमारा हो जाए ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही करेंगे उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करेंगे क्वेश्चन क्या है एरिया बाउंडेड बाय द कर एरिया बाउंडेड बाय सर्कल बाउंडेड बाय सर्कल x माइनस y का स्क्वायर, x माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू मे वन एंड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेर इज इक्वल टू मे वन क्या होगा एरिया ऑप्शन गिवन है टू पाई बाय थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन फोर सेकेंड ऑप्शन गिवन है टू पाई बाय थ्री माइनस रूट थ्री बाय टू थर्ड ऑप्शन गिवन है वन बाय टू टू पाई बाय थ्री माइनस रूट थ्री बाय फोर और फोर्थ ऑप्शन गिवन है थ्री पाई बाय फोर थ्री पाई बाय टू माइनस रूट थ्री बाय फोर ये भी हमारा एनवीएस 2019 में आया हुआ है आप देखेंगे कि NVS 2019 में इस टॉपिक से हमारे पास टोटल फाइव क्वेश्चन आए हुए हैं। 19 NVS में, पूछा गया, 2019 में इसकी भी हमने ट्रिक पढ़ी थी लास्ट वीडियो में कभी भी कोई दो सर्कल गिवन है और उनकी रेडियस सेम है कभी भी कोई दो सर्कल गिवन है और सेम रेडियस की है सेम रेडियस अगर है किसी भी दो सर्कल की तो उस केस में हमने क्या पढ़ा था उनका एरिया तो उस केस में हमारे पास एरिया कितना था ए स्क्वेयर मतलब जो हमारे पास दोनों की जो रेडियस है जो सेम है उसका स्क्वेयर टू पाई बाय थ्री माइनस रूट साइन सिक्सटी माइनस साइन सिक्सटी यही पढ़ा था हमने देखिए वहां दिख नहीं रहा तो एरिया कितना होगा ए स्क्वेयर टू पाई बाय थ्री माइनस साइन सिक्सटी यही पढ़ा था हमने देखिए यहाँ पे हमारे पास दोनों की रेडियस क्या है सेम है इसकी भी वन रेडियस है इसकी भी वन रेडियस है तो हमारे पास ये अप्लाई हो जाएगा कभी भी दो सर्कल गिवन है उनकी सेम रेडियस गिवन है तो उस केस में एरिया जो निकलेगा वो क्या होगा क्या होगा ए स्क्वेयर ए कितना है हमारे पास वन यहाँ पे हम देखें ए कितना है हमारे पास वन दोनों को अगर हम देखते हैं तो रेडियस कितनी है वन ठीक है अब अप्लाई कर देते हैं हमें रेडियस ही चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए एरिया कितना होगा ए स्क्वेयर मतलब वन टू पाए बाय थ्री माइनस साइन सिक्सटी माइनस साइन सिक्सटी दैट इज टू पाए बाय थ्री साइन सिक्सटी कितना होता है रूट थ्री बाय टू रूट थ्री बाय टू ये क्या हो गया आंसर देखिए मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर तो हमारे पास ऑप्शन सेकंड क्या होगा करेक्ट होगा हम उस लेंथी मेथड से करेंगे तो हमारा बहुत टाइम लगेगा इसलिए हम डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे और एक सेकंड में हम अपना आंसर निकालेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास इतना बिल्कुल टाइम नहीं होता कि हम पूरा लेंथी मैथड करें और फिर उसको सोल्व करके आंसर निकालें उसके लिए हमें ट्रिक चाहिए है ठीक है अगर आपने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी हैं पहली तो प्लीज़ देख लीजिएगा अभी चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे थर्ड है क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है देखिए एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट रीजन एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट रीजन रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स इलिप्स की इक्वेशन क्या गेवन है एक्स स्क्वेयर बाय नाइन प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन फोर इज इक्वल टू वन एंड लाइन एक्स अपोन थ्री प्लस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू में वन इज क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन है थ्री बाई टू पाई माइनस टू सेकेंड ऑप्शन है टू बाई थ्री पाई माइनस टू थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 9 बाई फोर पाई माइनस टू और फोर्थ ऑप्शन है नाइन बाई फोर पाई माइनस टू ये किस में आया था यह भी एनवीएस 2019 में पूछा गया था यह भी किस में पूछा गया था एनवीएस 2019 देखो हमने ट्रिक की थी लास्ट वीडियो में ट्रिक क्या थी हमारे पास कभी भी हमारे पास इक्वेशन एक, गिवन है एलिप्स की एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर ठीक है इज इक्वल टू में वन और कोई लाइन गिवन है हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू में वन गीवन हो तो उस केस में हमारे पास एरिया कितना था ए बी अपॉन फोर ए बी अपॉन फोर पाई माइनस टू यही किया था हमने ए बी अपोन फोर पाई माइनस टू ये हमारे पास ट्रिक थी अभी देखो इस केस में अगर हम देखते हैं यहाँ पे ए स्क्र कितना है नाइन तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री बी स्क्वेयर कितना है फोर अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो बी स्क्र कितना होगा फोर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू तो दैट्स मीन ये पूरी कंडीशन जो है इसके अंदर अप्लाई हो रही है कि एक्स स्क्वेयर बाय नाइन प्लस वाई स्क्यर बाय फोर इज इक्वल टू में वन एंड लाइन एक्स बाय थ्री प्लस वाई बाय टू इज इक्वल टू में वन किसके जैसी है सेम टू सेम एक्स स्क्र बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्यर बाय बी इज इक्वल टू में वन और लाइन एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू में वन तो हमारे पास जो ट्रिक लगेगी ए बी अपॉन फोर पाई माइनस टू के होगा देखो यहाँ पे ए स्क्वेयर कितना है नाइन तो और ये क्या इंप्लाई करेगा ए इज इक्वल टू मे थ्री यहाँ पे बी स्क्र कितना है हमारे पास फोर बी कितना हो गया टू क्योंकि देखो यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है एक्स बायक्स बाय बाय वाई बाय बी बी कितना है टू ठीक है तो इसलिए इसमें कंडीशन में एरिया कितना निकलेगा एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास ए बी अपोन फोर पाई माइनस टू ए बी कितना है ए कितना है थ्री बी कितना है टू थ्री इंटू टू अपॉन फोर पाई माइनस टू कैंसिल करें थ्री टू जा टू टू जा फोर क्या बचा हमारे पास थ्री बाय टू पाई माइनस टू अब अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा हमारा मैच हो रहा है फर्स्ट ऑप्शन थ्री बाय टू पाई माइनस टू इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा इस तरीके से हमें डायरेक्ट ट्रिक लगानी है और क्वेश्चन को एक सेकेंड में सॉल्व करना है जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं है आप क्वेश्चन को देखते ही पहचान लोगे कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला क्वेश्चन है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला बाई द पैराबोलाउंडेड बाय द पैराबोलाई स्क्र इज इक्वल टू में टू में नाइन एक्स ठीक है नाइन एक्स एंड लाइन लाइन क्या गिवन है x इज इक्वल टू में टू x इज इक्वल टू में फोर एंड x एक्स इज x एक्स इज क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आगे भी है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज़ फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ट्वेल्व माइनस थ्री अंडर रुट टू ट्वेल्व माइनस थ्री अंडर रुट टू सेकेंड ऑप्शन है सिक्सटीन माइनस फोर अंडर उट टू थर्ड है थर्टी टू माइनस एट अंडर रूट टू फोर्थ है फोर्टी फाइव माइनस फाइव अंडर ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसने पैराबोला गिवन है क्या पैराबोला गिवन है देखो डायग्राम ड्रा करते हैं वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में 9x एक्स दैट्स मीन वो x एकस एक्सिस किस मेट्रिक बनेगा x एक्सिस किस मेट्रिक बनेगा तो वो हमारे पास इस टाइप से बनेगा कोई भी पैराबोला ठीक इसमें बोला है x इज इक्वल टू में टू कोई भी लाइन गिवन है x इज इक्वल टू में टू और एक x इज इक्वल टू में इसने ले लिया फोर एक एक्स में तो क्या लिया फोर तो उस केस में इसने बोला है एरिया जो बाउंडेड बाय द कर है, वो क्या होगा ये एरिया हमें निकालना है कि कितना होगा हम्म ये एरिया हमें निकालना है कि कितना होगा ये कितना है एक्स इज इक्वल टू में टू ये कितना है एक्स इज इक्वल टू में फोर मतलब हमारा इंटीग्रेशन चलेगा टू से फोर में हा? ये हमने इस टाइप का क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया था तो देखो इसमें इंटीग्रेशन चलेगा टू से फोर सॉल्यूशन क्या होगा देखिए और इसने बोला है सिर्फ इन फर्स्ट तो तो इस एरिया को निकालते और फिर उसका टू टाइम्स कर देते लेकिन इसने क्या बोला इन फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है तो सिर्फ इस, इसका एरिया निकालना है इस, इस का, नीचे का नहीं करना ठीक है तो हमें एरिया क्या करेंगे देखो एरिया इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन चलेगा हमारा टू से फोर अपने लास्ट वीडियो अगर देखी होगी तो हमने बोला था कि हम इसमें एक थिन स्ट्रिप मान लेते हैं एक एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं हम इसमें देखिए एक बार पे दिख नहीं रहा सॉरी इसके हम एक अंदर एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं जिसकी लेंथ तो हम ले लेते हैं वाई और जिसकी विर्थ ले, ले लेते हैं डीएक्स ठीक है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा वाई इंटू मी डीएक्स वाई इंटू में डी एक्स हो जाएगा यहाँ से अगर हम मैं वाई की वैल्यू निकाल वाई एक्स की वैल्यू एक्स की फॉर्म में लेके चलेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रुट नाइन एक्स देखो हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में नाइन एक्स है हमें वाई की वैल्यू निकालने तो क्या होगा अंडर रुट नाइन एक्स जो कि किसके इक्वल होगा थ्री अंडर रूट एक्स के तो वाई की वैल्यू हम पुट कर दें इसमें थ्री अंडर रुट एक्स हम इसमें पुट कर देते हैं देखो इंटीग्रेशन टू से फोर थ्री अंडर रूट एक्स डी एक्स अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है बस और अब वो हमारा आंसर हो जाएगा समझ आया ये इंटीग्रेशन टू से फोर कैसे लेना है इसे बोला एक्स इज इक्वल टू में टू और एक्स इज इक्वल टू में फोर कोई भी दो लाइनें गिवन है उनके बीच का जो एरिया है हमें ये पूरा एरिया निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं एक वर्टिकल स्ट्रिप मान ले लेते हैं बहुत ही थिन मान लेते हैं उसकी हाइट जो है वो वाई है और जो उसकी विड़थ है वो डी एक्स है ठीक तो वाई इंटू में डी एक्स इसका एरिया हो जाएगा टू से फोर थ्री वाई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से वाई क्या हो जाएगा थ्री अंडर रूट एक्स इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे इंटीग्रेशन करने के बाद देखो क्या आता है थ्री इंटू में एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू इंटीग्रेशन चलेगा टू से फोर थ्री इंटू में टू बाय थ्री हो जाएगा ये थ्री बाई टू को टू बाई थ्री कर दें और हमारा इंटीग्रेशन चलेगा टू से फोर वैल्यू पुट करें थ्री से थ्री कैंसिल टू फोर पुट करेंगे यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो फोर इंटू में टू आएगा लोअर लिमिट पुट करेंगे तो टू अंडर आएगा दैट इज टू एट माइनस टू अंडर रूट टू जो कि किसके इक्वल होगा हमारा सिक्सटीन माइनस फोर अंडर रूट टू सिक्सटीन माइनस फोर रूट टू कितना हुआ ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारे पास क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरीके से करेंगे अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारे पास एनवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है था सॉरी मैं बताना भूल गई एन 2019 में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एरिया ऑफ द रिजन बाउंडिड बाय पैराबोला बाउंडिड बायोला y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वे एंड y इज इक्वल टू में मोड x इज ऑप्शन क्या गिवन है वन बाय थ्री वन बाय फोर वन बाय सिक्स वन बाय टू ये हमारे पास ऑप्शन गिवन है, ये भी एनवीएस में पूछा गया था क्वेश्चन, ये भी एनवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 का ही है, देखो 2019 में इस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एनवीएस में, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई इज़ इक्वल टू मे एक्स स्क्वायर एंड � ठीक है इसमें याद रखना क्या गिवन है मोड एक्स हमने ट्रिक पढ़ रखी है देखिए कौन क्या ट्रिक थी हमारी अगर हमारे पास एक्स स्क्वे इज इक्वल टू में फोर ए वाई और वाई इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी ये दो इक्वेशन गिवन थी एक पैराबोला की और एक इक्वेशन ऑफ लाइन की अगर ये दो गिवन थी तो उस केस में हमने एरिया का क्या फॉर्मूला वाई इज इक्वल टू मै एम एक्स सॉरी एम एक्स प्लस सी नहीं वाई इज इक्वल टू मै एम एक्स क्योंकि यहाँ पे वाई इज इक्वल टू मे एक्स है इसलिए तो इस केस में हमारे पास एरिया का क्या फॉर्मूला था एट बाय थ्री ए स्क्वेर इंटू में एम की क्यूब हमने जो ट्रिक पढ़ी थी शोर ट्रिक लास्ट वीडियो में उसमें यही देखा था हमने एट बाय थ्री ए स्क्वेयर इंटू में एम की क्यूब लेकिन आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे मोड नहीं था हमारे पास तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं दो पार्ट में डिवाइड कर लें हम इसको मैं ट्रिक बता रही हूं ठीक है वाई इज इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू में वाई ठीक है ये इक्वेशन लिख दी हमने एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई ये y इज इक्वल एक बार हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू में प्लस का x यहाँ पे देखो सेकेंड ले लेते हैं एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू में y और यहाँ पे ले लेते हैं y इज इक्वल टू में माइनस का x एक बार प्लस का x ले लिया एक बार माइनस का x ले लिया और दोनों कंडीशन अलग अलग लिख दिया हमने ठीक है अब इन दोनों का अलग से एरिया निकाल लेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा देखो अगर मैं इसका एरिया निकालती हूँ इस ये यही बन रहा है एक्सक्वेर इज इक्वल टू मई फोर वाई ए वाई वाई इज इक्वल टू मई एम एक्स मतलब ए अगर मैं कंपेयर करती हूँ इसको तो ए हमारे पास कितना होगा वन बाई फोर अब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा ए कैसे निकला है एक्सक्वेयर इज इक्वल टू मई वाई को एक्सक्वेयर इज इक्वल टू मे फोर ए वाई से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू वन बाई फोर आ गई वाई इज इक्वल टू मे एक्स वाई इज इक्वल टू मई एम एक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो एम की वैल्यू वन आ गई ए की वैल्यू वन बाय फोर एम की वैल्यू वन फॉर्मूला क्या था एरिए का एरिए का फॉर्मूला क्या था एट बाय थ्री ए स्क्वेयर इंटू में एम की क्यूब तो क्या हो जाएगा हमारे पास एट बाय थ्री ए स्क्वेयर कितना है वन बाय फोर इंटू वन बाय फोर वन बाय फोर इंटू वन बाय फोर एम की क्यूब एम कितना है वन तो उसका क्या होगा वन रहेगा अब इसको सोल्व करते हैं फोर टू ज़ा एट और टू टू ज़ा फोर नीचे कितना बचा वन अपॉन थ्री इंटू टू मतलब वन अपॉन सिक्स तो इसका एरिया कितना निकला इस वाले पार्ट का वन बाय सिक्स अब इसका एरिया निकालते हैं देखो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें फिर से इसको इस इक्वेशन के साथ तो ए की वैल्यू वन बाई फोर एम की वैल्यू कितनी होगी माइनस वन एरिया कितना होगा एट बाय थ्री ए स्क्वेयर मतलब वन बाय फोर इंटू में वन बाय फोर इंटू में वन बाय फोर एम की क्यूब मतलब माइनस वन लेकिन हमें एरिया तो हमेशा प्लस में मिलता है एरिया हम कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते इसलिए इंटू में वन लेके चलेंगे मतलब अगर हमारे पास कभी भी एरिया नेगेटिव आता है तो हम उसका मोड ले लेंगे ठीक है मोड लेने के बाद उसको क्या आता है प्लस का आ जाएगा एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा ठीक है तो मान लो हमने इसका पूरे का मोड ले लिया तो प्लस का हो गया अभी इसको फिर से कम ए स्क्वेयर था सॉरी हा फोर टू जा एट टू टू जा फोर वन अपॉन सिक्स इसका भी एरिया वन अपॉन सिक्स इसका भी एरिया वन अपॉइन सिक्स दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे दोनों का एरिया कितना होगा टू अपॉन सिक्स टू अपॉन सिक्स मतलब वन अपॉन थ्री तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा कभी भी मोड में गिवन है तो हम दोनों को अलग अलग लेंगे ठीक है एक्स स्क्र इज इक्वल टू मे वाई वाई इज इक्वल टू मे एक्स एक ये कंडीशन बनेगी हमारे पास एक ये कंडीशन बनेगी एक बार इसका एरिया निकालेंगे फिर इसका एरिया निकालेंगे दोनों को प्लस कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे और एरिया कभी भी माइनस में नहीं जाता नेगेटिव नहीं होता इसलिए अगर कभी नेगेटिव आता भी है एरिया तो उसको हम मोड ले लेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा अच्छे से फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। केवीएस का क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है देखिए एरिया बाउंडेड बाय द पैरा बोला बाय द पेराबोलाई इज इक्वल टू में एक्स स्क् एंड लाइन वाई इज इक्वल टू मे टू एक्स यहाँ पे देख लीजिए y इज इक्वल टू में टू एक्स इन इज क्या होगा ऑप्शन फर्स्ट है टू बाय थ्री सेकेंड ऑप्शन है फोर बाय थ्री थर्ड ऑप्शन है एट बाय थ्री फोर्थ ऑप्शन है फोर हमें निकालना है एरिया कितना होगा ये के वी एस टू थाउजेंड एटीन में पूछा गया क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला हमने पढ़ा है देखो हमारे पास ट्रिक क्या थी हम अपने ट्रिक से ही सोल्व करेंगे हम लॉन्ग मेथड नहीं अप्लाई करेंगे अगर हमारे पास एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू में फोर ए वाई गिवन हो ठीक है फोर ए y हो और y इज इक्वल टू में एम एक्स हो तो उस केस में एरिया कितना निकाला था हमने एट बाई थ्री ए स्क्वेयर इंटू में एम की क्यूब यही ट्रिक थी हमारी इसी को हम अप्लाई करेंगे देखो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू में वाई एक्स स्क्ज इक्वल टू फोर ए वाई वाई इज इक्वल टू मे एम एक्स ठीक है अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ एक्स स्क्र इज इक्वल टू में वाई को किसके साथ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू में फोर ए वाई के साथ तो यहाँ से फोर ए इज इक्वल टू में वन होगा दैट मीन्स ए इज इक्वल टू में वन बाई फोर होगा ठीक है ए की वैल्यू कितनी हो गई वन बाई फोर अब ऐसे ही अगर मैं y इज इक्वल टू में जो टू एक्स गिवन है अगर मैं उसको कंपेयर करती हूँ y इज इक्वल टू में एम एक्स के साथ तो यहाँ से m की वैल्यू टू होगी कोई दिक्कत यहाँ तक ठीक है अभी हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है हमारे पास a भी आ गया m भी आ गया एरिया का क्या फॉर्मूला है एट बाई थ्री ए स्क्वेयर इंटू में एम की क्यूब तो एरिया कितना होगा हमारे पास एट बाई थ्री ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर कितना है वन बाई फोर का स्क्वेयर वन बाई फोर इंटू में वन बाई फोर इंटू में एम की क्यूब एम की क्यूब एम कितना है टू मतलब टू इंटू में टू इंटू में टू अब टू टू जा फोर कैंसिल टू टू जा फोर टू थ्री जा एट एक सेकंड कैंसिल करेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास टू फोर जा ऐट मतलब हमारे पास ऊपर बच्चा फोर डिनोमिनेटर में आया थ्री इसको कैंसिल करके देख लेना आप अच्छे से एट बाई थ्री वन बाय फोर वन बाई फोर इंटू में एम की क्यूब टू इंटू में टू फोर फोर से फोर कैंसिल टू टू जा फोर टू बचा टू से एट को करेंगे टू फोर जा एट मतलब फोर अपॉन थ्री ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा तो इस तरीके से हमें अपनी ट्रिक्स के जरिए हमें अपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं ना कि लेंथी मेथड से तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा थैंक यू